हमारे सारे मतलब बुक से भी हमने हाँ कर लिए थे। हाँ ट्रेडिंग अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के करेंगे क्वेश्चन आज, और बैलेंस शीट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते थे हम, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से उसको कैरी करेंगे पहले तो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया है तो पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर ग्रॉस लॉस किसी क्वेश्चन में आ जाए तो वो पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में कैरी हो जाएगा। और फिर उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड में लिख देंगे, और जितनी भी इनकम्स होंगी इनडायरेक्ट वो सारी क्रेडिट में, और फिर टोटल करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आ जाएगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में ना, एक प्रॉफिट और हम डिस्कस करेंगे जिसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो अभी मैं क्वेश्चन में ही बता दूंगा कहीं ना कहीं साथ में, तो क्वेश्चन लिखते हैं पहले। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। मान लो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा पहले, और हमें यहाँ पे गिवन है ट्रेडिंग अकाउंट बना के कि ग्रॉस प्रॉफिट वहां से निकल के आया होगा हमारा, फॉर एग्जांपल आपका 2,20,000 का, 2,20,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया होगा। इसके बाद सैलरीज, हमने एम्प्लॉय को सैलरीज पे करी होंगी मान लो 55,000 सॉरी। ऑडिट फीस, ऑडिट वगैरह कराए होंगे अपने अकाउंट, उनकी ऑडिट फीस हमने पे करी होगी 7,000। सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ प्रोडक्ट को बेचने में या उसकी मार्केटिंग में खर्चा आया होगा 12,000 रुपीज के अराउंड। इंटरेस्ट ऑन लोन, हमने कुछ लोन ले रखा है बैंक से या कहीं से, उसका इंटरेस्ट हमने पे करा होगा, ये रेवेन्यू खर्चा है 9,000 रुपीज। डिस्काउंट अलाउड, हो सकता है किसी डेटर वगैरह को डिस्काउंट अलाउ करा गया हो, तो वो डिस्काउंट अलाउड 45,000। इसके बाद आपका मान लो है कमीशन, कमीशन रिसीव्ड 8,300। यहां पर है आपका मान लो रिपेयर्स 12,400। कैरिज इनवर्ड है 3,100। कैरिज आउटवर्ड है हमारा 9,600। इसके बाद पोस्टेज एंड टेलीग्राम पे हमारा 3,200। लीगल चार्जेस
लीगल चार्जेस पे है मान लेते हैं 12,800, बैड डेट, बैड डेट बैड डेट है मान लेते हैं हम 4,500। इसके बाद एक मिनट, अप्रेंटिस प्रीमियम, एक नया नाम लिखो, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चों को, अप्रेंटिस प्रीमियम। इसका अमाउंट है मान लो अप्रेंटिस प्रीमियम का 6,800, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। फॉर्मेट वही रहेगा जो ट्रेडिंग अकाउंट का था, सॉल्यूशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। सबसे पहला काम होगा हमारा यहाँ पे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, और इसको ना या तो आप सिर्फ बाई ग्रॉस प्रॉफिट लिख देना, या वैसे इसको आपको लिखा हुआ मिलेगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम सिर्फ बाई ग्रॉस प्रॉफिट भी लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी, ठीक है, 11th क्लास तक में चल जाएगा उतना। 2,20,000। इसके बाद ये जितनी भी एंट्रीज हैं इनको एक एक करके हम पुट करते जाते हैं। इसके बाद सैलरीज है, सैलरीज आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है 55,000। फिर ऑडिट फीस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, ऑडिट फीस ये भी आपका है 7,000। सेलिंग एक्सपेंस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होते हैं, सेलिंग एक्सपेंस 12,000। फिर आपका होगा यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 9,000, ये भी P&L अकाउंट में डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। कमीशन रिसीव्ड, ये इनकम है तो बाई कमीशन रिसीव्ड इनकम है, ये इधर आ जाएगी 4,500। फिर आपका रिपेयर, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 12,400। रिपेयर के बाद है कैरिज इनवर्ड, वो नहीं आएगा, कैरिज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, कैरिज आउटवर्ड आएगा, लेकिन कैरिज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो ये 9,600 आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 3,200। लीगल चार्जेस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, लीगल चार्जेस कितने हैं 12,800। इसके बाद बैड डेट, ये भी हमारा लॉस होता है बिजनेस का, बैड डेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा 4,500। अप्रेंटिस प्रीमियम, ये क्या होता है, ये होती है इनकम, अभी समझाता हूँ मैं क्या होता है, ये इनकम होती है बिजनेस के लिए। अच्छा,
6800। ये क्या होता है, जैसे कि आप कहीं पे ट्रेनिंग लेने जाते हो ना किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करते हैं, तो वो उनके लिए फायदा हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट चार्ज फ्रॉम अ पर्सन टू होम ट्रेनिंग इज गिवन बाय द बिजनेस, जिसको बिजनेस ने ट्रेनिंग दी है उस पर्सन से कुछ वो चार्ज करते हैं अमाउंट, उसको गेन होता है वो बिजनेस का, तो इसलिए इसको यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ठीक है, अप्रेंटिस प्रीमियम के नाम से। बस और कोई एंट्री नहीं है, आंसर बता दो कौन सी साइड ज्यादा, ये 2 लाख है तो यही वाली साइड ज्यादा लग रही है मुझे, तो अगर इधर वाला साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इसको टोटल कर लेंगे पहले, और इस टोटल को यहाँ लिख लेंगे, और यहाँ लिखने के बाद इसको लिख देंगे यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। अच्छा, यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये जितने भी आइटम्स मैंने लिखे हैं, यहाँ पे देखना, ये जितने भी आइटम्स मैंने लिखे, क्या ये किसी पर्टिकुलर हेड के अंदर लिखने हैं हमें? होते हैं हेड वैसे, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, तो ऑफिस वाले सारे उसमें चले जाएंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सॉरी सेलिंग एक्सपेंसेस जो होंगे आपके, वो सारे सेलिंग ओवरहेड में चले जाएंगे। तो ऐसे हेड होते हैं हमारे पास, लेकिन वो हेड्स ना हमें यहाँ पे बनाने नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि हम ये सोल प्रोप्राइटरशिप का पढ़ रहे हैं। तो वैसे हेड कौन कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। इसमें से फाइनेंस एक्सपेंस कौन सा है बताना मुझे देख के। ऑडिट फीस होगी क्या? नहीं, ऑडिट फीस आपका फाइनेंस एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट ऑन लोन ये फाइनेंस एक्सपेंस है, ठीक है। तो जो फाइनेंस होगा एंड मिसलेनियस जो कहीं नहीं आया वो, तो हमें यहाँ पे ना हेड बनाना मैंडेटरी नहीं है, मैं ये समझा रहा हूँ। जब हम 12th क्लास में आएंगे तो कंपनी अकाउंट्स जब हम पढ़ेंगे, जो कंपनी का अकाउंट्स होगा वहां पे एक शेड्यूल होता है प्रेस्क्राइब, उसी फॉर्मेट में करना होगा। तो फिलहाल 11th क्लास में तो आप जो आइटम ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेट प्रॉफिट ये हो गया 220 और 6, 4, 10, 8, 5, 13। इसमें से सारी वैल्यू मैं माइनस कर देता हूँ, ये लोग कैलकुलेटर पे 55,000 माइनस 7,000 माइनस 12,000 माइनस 9,000 माइनस 4,500 माइनस 12,400 माइनस 9,600 माइनस 3,200 माइनस 12,800 माइनस एंड 4,500 माइनस 101। मैंने कुछ गड़बड़ी कर दी मुझे लग रहा है, एक मिनट। कमीशन का अमाउंट कितना लिखा था मैंने, ओहो शिट, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड 8,300 है ना, तो ये 8,300 लिखना था, यहाँ मिस्टेक हो गई, डिस्काउंट का लिख दिया गलती से, तो ये आपका 235,100 हो जाएगा, 235,100, 235,100। तो उसका डिफरेंस अमाउंट ऐड कर लेते हैं, तो ये 105,100 हो जाएगा आंसर, 105,100, 1,05,100, ये ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, एक और लिखते हैं छोटा सा, एग्जांपल प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर ended 31st March 2019। ये कुछ डिटेल्स दे रखी है इनकी, ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000, सैलरी एंड वेजेस
सैलरी एंड वेजेस 28,000, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड है यहाँ पे 4,300, पैकिंग चार्जेस 2,500, पैकिंग चार्जेस के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड ये मान लो 700, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद एडवर्टीजमेंट 2,800, इलेक्ट्रिसिटी 1,800, टेलीफोन एक्सपेंसेस है आपके 2,400, रेंट कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट्स कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस 3,500, ये 3,500 है, बेड डेट रिकवर्ड 600, फिर यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड 900, ट्रेड एक्सपेंसेस 1,600, कमीशन, अच्छा सिर्फ कमीशन लिखा है तो बताओ क्या हम इसे एक्सपेंस ट्रीट करेंगे या इनकम ट्रीट करेंगे? कमीशन पेड भी हो सकता है और कमीशन रिसीव्ड भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी रेंट लिखा हुआ है खाली, तो हम इसे रेंट पेड ट्रीट करेंगे या रेंट रिसीव ट्रीट करेंगे? पेड, है ना, तो हमेशा जब भी कभी ऐसे कंफ्यूजन हो तो उसे एक्सपेंस हमें ट्रीट करना है, और वो इसलिए होता है ताकि हमारा टैक्सेशन का अमाउंट कम हो सके, जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना प्रॉफिट कम आएगा, और जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम टैक्स हमें पे करना पड़ेगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन ना हो तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, मान लो मैं इसके ब्रैकेट में लिख दूं क्रेडिट, तो अब ये क्या हो जाएगा हमारा इनकम रिसीव। इसके बाद है स्टेशनरी है आपका 3,500, स्टेशनरी के बाद है जनरल एक्सपेंस 1,100, जनरल एक्सपेंस के बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस 3,100, ट्रैवलिंग एक्सपेंस के बाद डिविडेंड ऑन शेयर्स ये है आपका 800, डिविडेंड ऑन शेयर 800, मिसलेनियस रिसीट्स कुछ मिसलेनियस रिसीट्स हैं हमारी 1,600, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 4,200, apprentice premium 2,800, बनाए इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019,
दीज पर्टिकुलर सबसे पहला काम ग्रॉस प्रॉफिट को यहां पे ट्रांसफर कर बाय ग्रॉस प्रॉफिट 1,90,000। इसके बाद एक एक एंट्री देखते जाएंगे और करते जाएंगे। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,90,000 डेबिट होगा। फिर कैरिज आउटवर्ड, कैरिज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। कैरिज आउट सैलरी एंड वेजेस 28,000। एक मिनट, यहाँ मैंने ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट लिख दिया 28,000। ठीक है, 28,000, 28,000 के बाद 4,300 कैरिज आउटवर्ड है। कैरिज आउटवर्ड के बाद पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस लिखे या नहीं लिख लो यहाँ पे। पैकिंग चार्जेस ना सेलिंग एक्सपेंस वाला है ये। अच्छा, यहाँ पे ना कंफ्यूजन रहती है थोड़ी सी। एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग और एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग। जो प्राइमरी पैकेजिंग होती है ना वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो अगर कभी प्राइमरी लिखा मिले तो फिर मत लिखना पीएनएल में। ठीक है, सेकेंडरी वाली की बात कर रहे होंगे ये, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे पैकिंग चार्जेस फिलहाल के लिए 2500। या तो नोट डाल देंगे नीचे, जो भी हम एजम्पशन लेंगे उसके लिए नोट लिख देंगे नीचे। पैकिंग चार्जेस 2500 टू एडवर्टीजमेंट, टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट है 700। उसके बाद है सर एडवर्टीजमेंट 2800, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये डिस्काउंट रिसीव्ड रह गया बीच में। इससे पहले डिस्काउंट रिसीव्ड है ना, तो यहाँ पे बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड 700। एडवर्टीजमेंट के बाद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी 1800। इलेक्ट्रिसिटी के बाद टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस 2400। रेंट कॉमा रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस 3500। फिर आपका बैड डेट रिकवर्ड इनकम होता है। ठीक है, बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड ये इनकम है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 600। डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, तो डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड 900। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। ट्रेड एक्सपेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 1600। कमीशन के ब्रैकेट में क्रेडिट लिखा है, तो ये इनकम हो जाएगी बाय कमीशन, बाय कमीशन 1500। फिर आपका स्टेशनरी है, तो ये खर्चा है हमारा डेबिट साइड में। स्टेशनरी, स्टेशनरी 3500। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है यहाँ पर 1100। उसके बाद आपका डिविडेंड ऑन शेयर, डिविडेंड ऑन शेयर ये इनकम है हमारी। हमने किसी कंपनी में शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वहां से जो डिविडेंड मिलेगा वो इनकम है। डिविडेंड ऑन शेयर्स, तो डिविडेंड ऑन शेयर 800 क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस रिसीट्स, ये भी इनकम है। Miscellaneous receipts. Sir, आपने traveling expenses लिख लिया? उसको मैंने शायद trade expense लिख दिया गलती से। Trade expense है ही नहीं, वो traveling है। क्या हो रहा है आज मुझे? नहीं, इसको traveling. नहीं, trade expense है, traveling expense अलग है। Trade expense था 1600 trade expense ना? फिर स्टेशनरी, स्टेशनरी के बाद जनरल एक्सपेंस, उसके बाद ट्रैवलिंग छूट गया। ये लो ट्रैवलिंग, टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 3100। ये डिविडेंड ऑन शेयर समझ आ गया ना, इनकम थी ये डिविडेंड ऑन शेयर और मिसलेनियस रिसीट, ये भी इनकम है।
एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, तो ये हमारा खर्चा है, मतलब लॉस है एक तरीके का, तो ये पी एंड एल अकाउंट में डेबिट होगा. सॉरी लॉस, एक मिनट गलत हो गया स्पेलिंग, डबल एस, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, चारों इधर ही आ जाए पूरा, 4200. और उसके बाद अप्रेंटिस प्रीमियम, ये इनकम होता है, अप्रेंटिस प्रीमियम 2800. बस अब आंसर निकालना है सिर्फ, तो यहाँ एक लाइन आंसर के लिए बची हुई है, ये टोटलिंग हो जाएगा. ये वाली साइड ज्यादा है, प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर. और सर मिसलेनियस रिसीट्स का 1600 है ना. अच्छा इसका अमाउंट रह गया 1600, ठीक है. टोटल कर लें इसको, 1,90,000 प्लस 700 प्लस 600 प्लस 1500 प्लस 800 प्लस 1600 प्लस 2800, 1,98,000 इधर का टोटल है. So, 1,98,000 ही आ रहा है? हाँ टोटल. अच्छा ये देखो कर लेते हैं वैसे ही, 7,613 ये हो गया, और ये हो गया आपका 2,800, और 800 हो गया आपका ये 3,600, और 600 ये हो गया आपका 4,200, 5,200, 5,200 और 800, 6,000 और ये 2,7,000. एक मिनट, टोटल में गलती हो गई होगी, दोबारा करना, 7 और 6, या मैंने गलत करा? नहीं ठीक लिखा है मैंने बिल्कुल, 7 और 6 13 होता है ना, 1300 और 1500 और 1300 कितना हुआ, 2800 और 800 3600 और 1000, 4600, 4600 और 600, 5200, 5200 और 800, 8000 होना ठीक, तो है 1,98,000. ठीक है, इसमें से माइनस करते हैं. अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ी हो गया, अमाउंट कितना था ये, 28,000 है सबसे टॉप पे, सबसे टॉप पे 28,000 माइनस, फिर 4300 माइनस, फिर 2500 माइनस, 2500 के बाद कितना है, 1,38,000. ठीक एक क्वेश्चन लिखते हैं, जितना हो पाएगा उतना कर लेते हैं, फिर दूसरी मीटिंग में जब ज्वाइन होगी उसमें कर लेंगे. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, इस बार कंबाइंड बनाएंगे दोनों. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर,
ended for the year ended 31st March 2019 also pass the closing entries. मैं पीछे एक क्वेश्चन में करा दी थी क्लोजिंग एंट्रीज ना, एक क्वेश्चन में हमने करी थी क्लोजिंग एंट्रीज कैसे होती है. ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्रीज, ये छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है. ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक 45,000, purchases 1,20,000, sales return 3,200, carriage inward 2,400, carriage outward 4,500. कैरिज आउटवर्ड के बाद डॉक चार्जेस 5,000. डॉक चार्जेस के बाद पावर चार्जेस 22,000. बैड डेट 1,100. इधर है एडवर्टीजमेंट 20,000. सैलरीज 41,000. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 2,000. Rent and insurance 24,900. Purchase return 2,500. Purchase return के बाद sales 3,50,000. 3,50,000. Discount received 2,000. Commission credit 1,600. 1,600. और इतनी इंफॉर्मेशन के बाद नीचे दिया हुआ है स्टॉक एट द एंड वॉज ₹75,000. ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट ना मर्ज करके भी बना सकते हैं, तो मैं एक बार ऊपर हेडिंग लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, नीचे लिख देंगे एक लाइन. तो ये हम इसको ऐसे ज्वाइंट करके भी बना सकते हैं, मतलब एक ही फॉर्मेट के अंदर. अलग अलग भी बन सकता है, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बना लें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना लें, और फिर या दोनों को एक साथ, क्योंकि दोनों का फॉर्मेट सेम है. रुपीज सबसे पहले जो ट्रेडिंग अकाउंट की कुछ दो तीन एंट्रियां होती हैं उनको यहाँ लिख लेंगे, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक 45,000 यहाँ आएगा, ये कंफर्म है. उसके बाद टू परचेज, जो परचेज का अमाउंट होगा वो इनर साइड में लिखा जाएगा पहले 1,20,000, और इसमें से परचेज रिटर्न माइनस हो जाएगा. तो परचेज रिटर्न क्वेश्चन में हमें दे रखा है 2,500, ये डिडक्ट करके ये बच जाएगा 1,17,500, 1,17,500. इसके बाद आप यहाँ पे लिखोगे बाई सेल्स 3,50,000, माइनस कर लोगे इसमें से रिटर्न 3,200. सेल्स रिटर्न हमें दे रखा था क्वेश्चन में 3,200, तो इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा
46800 और यहाँ पर एक चीज लिखनी होती है क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है 75,000। इसके बाद क्वेश्चन में से जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस है उनको ढूंढ के लिख लेना, जैसे कि कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, कैरेज इनवर्ड आपका 2400। फिर आपका डॉक चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस 5000। इसके बाद पावर चार्जेस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, पावर चार्जेस 22,000। तो इसके बाद आपका और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो मान लो यहां तक हमारा ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। तो इसको ऐड करोगे दोनों को तो ये 4,21,800, ये 4,21,800 यहाँ पे आ जाएगा टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर, ये आ जाएगा 229,900 और इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर कर लेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट जीपी 229,900। इसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो सारे यहाँ पर, और जो इनकम है वो यहाँ पर, जैसे कि दो इनकम है डिस्काउंट रिसीव्ड और कमीशन, तो यहाँ लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 2000 और यहाँ लिखेंगे बाय कमीशन, ये क्रेडिट बैलेंस है 1600। फिर जितने भी इनडायरेक्ट वाले एक्सपेंसेस हैं उनको एक एक करके लिखते हैं, ये छोटा ना पड़ जाए, जगह कम पड़ जाएगा। टू कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज आउटवर्ड है 4500। फिर यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट, बैड डेट, बैड डेट हमारे पास है 1100। फिर यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का अमाउंट है 20,000। एडवर्टीजमेंट के बाद टू सैलरीज, टू सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 41,000। सैलरीज के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बीएल बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इसका अमाउंट है 2000। और रेंट, इसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस, और रेंट लिख लेते हैं 24,900। ठीक है, और कुछ नहीं, तो बस टोटल करेंगे आंसर आ जाएगा। नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर बताना आप मुझे, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, फिर क्लोजिंग एंट्री हम इसको बंद करके दूसरे वाले सेशन में। ये दिख रहा है 2,29,000, 2,000 और 1,3,000, तो ये 30,232,000 और 9,615,000, 2,33,500, टोटल कितना हो गया 2,33,500 का, 2,33,500, 2,33,500, इसमें से माइनस कर लो सारे वैल्यू। अगर बंद हो जाए तो ज्वाइन कर लेना फिर से। सो ये